देख के हैरान हूँ कि ये वही जगह है जो हम लोग अधिकारियों को कहते रहते हैं कि ये जगह साफ कराओ साफ कराओ, और आप लोगों ने इस जगह को साफ सुथरा करके हम सब यहाँ पर दर्शन के लिए बैठे हैं। अगर कोई रिकॉर्ड बनाता है तो वो हमारे धन धन सदगुरु वाले बनाते हैं। आप सभी सार संगत आज जो यहाँ पर इस मैदान में उपस्थित है, तो मैं देख के हैरान हूँ कि ये वही जगह है जो हम लोग अधिकारियों को कहते रहते हैं कि ये जगह साफ कराओ साफ कराओ, और आप लोगों ने इस जगह को साफ सुथरा करके हम सब यहाँ पर दर्शन के लिए बैठे हैं, और जाने के बाद भी आप लोग इसको साफ सुथरा करते हैं। मुझे लगता है कि सफाई का जो कार्यक्रम या सफाई की जो भावना इस साथ संगत में है, धन धन सतगुरु के जो सभी अनुयायी हैं, महाराज श्री के जो अनुयायी हैं, इनके मन में जो सफाई का भाव है, जो सेवा का जन सेवा का भाव है, वो बहुत कम कहीं देखने में मिलता है। और 147 के करीब जो है जन सेवा के कार्यक्रम इस संस्था ने चला रखे हैं। मैं देखती हूँ कि हर साल चाहे कंबल बांटने की बात हो, अभी सर्दियों का मौसम आ गया है तो कंबल बांटने की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, मेडिकल चेकअप की बात हो, साफ सफाई की बात हो, हर किसी में अगर कोई रिकॉर्ड बनाता है तो वो हमारे धन धन सदगुरु वाले बनाते हैं। तो मैं आप लोगों की इस जन सेवा की भावना को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, तहे दिल से वंदन करती हूँ कि जिस जन सेवा की भावना को लेकर आप आगे चले हैं, इसी भावना को लेकर, मानवता को लेकर हम आगे बढ़ते रहें, हमारा इलाका तरक्की करता रहे, बिना किसी जात पात के, बिना किसी भेदभाव के, हम लोग आपस में भाईचारे के साथ आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन धन सद्गुरु के रहिए।